अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका आजकल शादियों में बहुत ट्रेंड है, और ये है फ्रूट ट्रैफल। ये बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध और ये 12 चम्मच शक्कर, फ्रूट केक और ये फ्रूट जूस पाइनएप्पल फ्लेवर का, फ्रेश क्रीम और ये टूटी फ्रूटी, चॉकलेट सिरप और कस्टर्ड पाउडर। आज हम 2 फ्लेवर में बनाएंगे, ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और ये है केसर पिस्ता। अब हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। हम 2 फ्लेवर में कस्टर्ड बना रहे हैं इसलिए हमने दूध को हाफ ऑफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो चुका है, अभी इसमें हम 6 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर घुल चुकी है, 2 से 3 मिनट हो गया पकते हुए। अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे, वरना इसमें गांठे पड़ जाएंगी। कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेंगे। कस्टर्ड को हमने मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लिया। देखिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें दूसरा फ्लेवर डाल देंगे। इसमें भी 6 चम्मच शक्कर डाल देंगे। शक्कर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम ये फ्लेवर डाल के धीरे धीरे डालते जाएंगे और मसल से चला जाएंगे। इसको धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। मसल से चलाते हुए बनाएंगे इसको। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं बीटर की मदद से। इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे और बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। क्रीम को हमने बीट कर लिया है, अब इसको एक साइड में रख के फ्रूट कट कर लेते हैं। ये फ्रूट हमने कुछ कट कर लिए हैं, आप अपनी मनपसंद कोई भी फ्रूट ले सकते हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें डालें या स्किप कर दें। चलिए अब हम लेयर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक की लेयर लगाएंगे। अब हम फ्रूट जूस डाल लेते हैं। हमने पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। इसको हर एक पे अच्छे से डाल देंगे। अब हम इस पे ये टूटी फ्रूटी डाल लेते हैं। अब हम इस पर 1 लेयर कस्टर्ड की डालेंगे। पहले हमने ये केसर पिस्ता का जो फ्लेवर है वो डाल, इसको ये अच्छे से हर तरफ लगा देंगे। अब हम इस पर ये फ्रूट डाल देंगे।
हम ये स्ट्रॉबेरी और फ्लेवर का जो कस्टर्ड है वो इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए अब हम इस पर ये क्रीम की लेयर लगा देते हैं। क्रीम को हम बराबर कर लेते हैं। अब हमने सब लेयर लगा ली हैं, अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रूट टाइफल बनकर रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करने का तरीका देख लेते हैं। इसको पूरा ऊपर से नीचे ले जाना है। इसको पूरा नीचे से लेते हुए ऐसे निकालेंगे। ये पूरा नीचे से आना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट ये पुडिंग बनी है हमारी, ट्राइफल पुडिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका ट्राइफल कैसा बना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।